हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जावेद और लोग मुझे जावेद होकर सर के नाम से जानते हैं। अभी मैं होकर सर के नर्सरी के पीछे खड़ा हूं, जहां पे अभी सिल्टेशन निकाली जा रही है और नए टेंडर्स भी आ गए हैं हाजीबाग के साइड से, जहां पे गेट नंबर 1 बन रहा है और वहां पे गाड़ियों को ईजी हो जाता है, कम डिस्टेंस है कि मिट्टी वहाँ से निकाले। मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मेरी ये एक गुजारिश है कि आप वो नए टेंडर्स को होल्ड पर रखिए और पहले होकर सर के पिछले वाले जो साइड है, जितने भी साइड्स है यहाँ पे, उनको पहले यहाँ पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर गाड़ी वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम जहाँ पे गेट नंबर 1 बन रहा है और यहाँ तक कम से कम 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तेल भी जलता है उनका ज़्यादा। पहले इसी पैच को कंटिन्यू किया जाए, इसको क्लियर किया जाए, बाद में जो नए टेंडर्स है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से गुजारिश है मेरी कि उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखिए, तो उनको बाद में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वो इजी है वहाँ से निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का फ़र्क है सड़क से वहाँ तक, और यहाँ तक 4 किलोमीटर है। पहले जो होकर सर का पिछले साइड का इलाका है, तकरीबन ये दहरमुन के नज़दीक है, यहाँ से आप सजेड़ भी पड़ता है, तो इसी पैच को निकाले जाए। आप देख सकते हैं मैं कितनी गहराई में हूँ, कम से कम 10 फीट की गहराई है, और जो मेरा दोस्त है वो ऊपर बैठा हुआ है, वो मुझे फिल्मा रहा है अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि इसी पैच को कंटिन्यू किया जाए, ये बहुत बड़ा एरिया है और इसी में सबसे ज़्यादा बर्ड्स बैठा करते थे पहले के ज़माने में। बीइंग ए लोकल, मुझे इस एरिया का पूरा पता है कि यहाँ पे किस तरह की बर्ड्स आती थी और कितनी वैरायटीज़ की बर्ड्स आती थी, और अपने मुल्क की ये जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मैं चाहूँगा ये फिर उसी तरह से चहल पहल इसमें रहे, हमारे पूरी कंट्री के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे विज़िट करें, स्पेशली बर्ड लवर्स। तो पहले इसी पैच को क्लियर कीजिए, बाद में हम आगे का जो हाजीबाग की तरफ इन्होंने टेंडर्स निकाले हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखिए। जो होकर सर का पिछले वाला इलाका है नर्सरी के पास, उसको आप पहले क्लियरिफाई कीजिए, उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए कि यहाँ पर पूरा जो सिल्टेशन का जो मसला है वो क्लियर हो गया है, फिर हम बाद में आगे वाला बहुत इजी है, बेहतर है कि हम लोग पीछे का साइड ही पहले क्लियर करें। थैंक यू सो मच।